क्योंकि उनको मोदी जी को थोड़ा बहुत डर लगता है केजरीवाल से। गलत है मैडम, ऐसे किसी राजा को आप ऐसे अंदर थोड़ी डलवा दोगे, ये तो एक तानाशाही होगी ना। ईडी, सीबीआई, ये सारे बीजेपी के कहने में काम करती हैं। बिना बीजेपी के कहने में कोई काम नहीं होता। बीजेपी का कोई नेता नहीं पकड़ा जाता, ना कोई घोटाले करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आज ईमानदारी से अगर जांच हो तो सबसे ज़्यादा घोटालेबाज बीजेपी निकलेगी। लेकिन जो उसके जो आरोप लगाए, ईडी के आरोप लगाए ना, ये बेगुनाह है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं। जी हाँ, उन लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और बीजेपी सरकार के खिलाफ उन लोगों ने मोर्चा भी खोल दिया है। हम लोग आम जनता के बीच इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर हम लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर उनकी गिरफ्तारी सही है या गलत है, इस पर जनता से उनकी राय जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है, क्या लग रहा है, सही है गलत है? गलत है मैडम, ऐसे किसी राजा को आप ऐसे अंदर थोड़ी डलवा दोगे, ये तो एक तानाशाही होगी ना। तो तानाशाह सरकार है बीजेपी, जब मर्जी आती है ईडी का मतलब पंजा दिखा के उसको पब्लिक को भी गुमराह कर रही है, ये गलत है ये सब। सर लेकिन ये एक बहुत लीगल प्रोसेस फॉलो किया गया है, लीगल प्रोसेस है, ईडी भी तो एक लीगल प्रोसेस। तो मैडम सब गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है, ऊपर सरकार है इन लोगों की, तो लीगल प्रोसेस किसी भी तरह से दिखा सकते हैं कि कैसे भी गुमराह कर सकते हैं पब्लिक को। जो है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं, अब दिल्ली का क्या? दिल्ली का क्या, ये बीजेपी जो चाहेगी वो होगा। बीजेपी सेंटर में है, वो मालिक है, हर जगह उसके आदमी बैठे हुए हैं, हर जगह उसके आदमी बैठे हुए हैं। ईडी, सीबीआई, ये सारे बीजेपी के कहने में काम करती हैं। बिना बीजेपी के कहने में कोई काम नहीं होता। बीजेपी का कोई नेता नहीं पकड़ा जाता, ना कोई घोटाले करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आज ईमानदारी से अगर जांच हो तो सबसे ज़्यादा घोटालेबाज बीजेपी निकलेगी, समझे। वो अपने विपक्ष जितना भी है, विपक्ष को ख़त्म करना चाह रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं हम रहें, सिर्फ हम और कोई नहीं रहे, समझे। जो अच्छा काम करता है उसको तो ये अंदर डालेंगे, जो अच्छा काम करता है उसको अंदर डालेंगे और किसी को अंदर नहीं डालेंगे। जो गलत काम करता है उसको नहीं डालेंगे, जो अच्छा काम करता है उसे अंदर डालेंगे। केजरीवाल ने दिल्ली का कितना अच्छा कर रखा है, हॉस्पिटल में वैसे भी और भी बहुत सारी चीज़ों में बहुत बढ़िया कर रखा है, इसलिए वो अंदर जा रहे हैं। वो लोगों को फ्री दे रहे हैं, ये फ्री दे रहे हैं तो रेबड़ी बताते हैं, और अगर कोई और फ्री दे रहा है तो मतलब ये फ्री देते हैं तो कुछ नहीं, और अगर कोई और फ्री देता है तो उसको रेबड़ी बताते हैं, समझे। ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को, और बेवकूफ़ बनाने के अलावा बीजेपी को कुछ नहीं है। केजरीवाल कुछ दिन के हो सकता है कि आज सुनवाई होगी, आज ही बाहर आ जाएं, ज़रूरी नहीं है। मगर ये दुरुपयोग करते हैं, ईडी का दुरुपयोग पक्का पता है, सब जानते हैं इस चीज़ को। आज केजरीवाल इनसे हाथ मिला लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, सारे ठीक हो जाएंगे, मनीष सिसोदिया भी बाहर आ जाएंगे, समझे। एक बात बताइए, मेरे बात समझ में आती है। ये कहते हैं कि शराब घोटाला हुआ, मैं ये तो मतलब नहीं है शराब से, ठीक है, शराब घोटाला हुआ, शराब में कौन सा घोटाला हो गया, एक के साथ एक फ्री दी उसके बाद में भी जो है घोटाला कर दिया, मेरे समझ में ना आ रहा। ये इनके जो है जहाँ के ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वहाँ शराब बंद है, वहाँ कितने लोग मारे गए, कहाँ से शराब पहुँची, बिहार के अंदर शराब बंद है, वहाँ लोग मारे जा रहे हैं, कितनी महंगी बिक रही है, कहाँ से पहुँच रही है, तो वहाँ कुछ नहीं। जहाँ जहाँ इनका राज है वहाँ सब सही है, और जहाँ इनका राज नहीं है वहाँ सब गलत है। जस्ट ऑल, उनकी गिरफ्तारी मतलब नहीं होनी चाहिए थी, अरे नहीं होनी चाहिए थी। ये हर एक विपक्ष के नेता को बंद करा रहे हैं, और विपक्ष जितने भी विपक्ष के नेता हैं जो इनके खिलाफ बोलते हैं या सही काम करते हैं उसके यहाँ ईडी भेज देते हैं। मायावती बिल्कुल नहीं बोलती, मायावती के यहाँ नहीं पहुँचेगी ईडी, बताओ आज तक पहुँची हो तो, यूँ ही नहीं पहुँच रही, मायावती इनके समर्थन में है इसलिए नहीं पहुँचेगी। जो नेता इनके समर्थन में है उसके यहाँ ईडी का कोई मतलब नहीं है, उसके लिए ईडी काम नहीं करेगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब दिल्ली का क्या? अब दिल्ली का जो होगा तो आम जनता के फैसले पर होगा। जनता ये चाहती है कि केजरीवाल बेगुनाह है, और उसके में हमेशा उन्होंने काम तो अच्छे करे हैं, लेकिन जो उसके जो आरोप लगाए, ईडी के आरोप लगाए ना, ये बेगुनाह है। अगला मेहनती आदमी अगर तुम ये कहो कि इस बंदे को क्यों बंद करा, अरे भाई बड़े बड़े घोटाले होते हैं तो इसे क्यों बंद करा, इस मारे हम चाहते हैं कि केजरीवाल बेगुनाह है, और उसको उनको हमेशा बाहर ही कर देना चाहिए। जो आदमी मेहनत करता है ना उसको ये चोर कहते हैं, जो चोर है वो सरेआम अपने आप को किंग कहते हैं, सबसे बड़े किंग है ये, तो ये पाँचों उंगली बराबर तो है नहीं, हर आदमी अपने अपने गुनहगार का बादशाह होता है।
वो उनको शराब घोटाले के अंदर ही फंसाया जा रहा है। ये बिल्कुल बेकार है। एक होता तो बताओ, चार चार का नाम ले रखा, मिनिस्टर सिसोदिया भी है और वो भी है, सारे आम पार्टी वाले हैं, और किसी का घोटाला नहीं करेगा। तो इस बार हम तो चाहते हैं कि केजरीवाल बेगुनाह है। गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब लोकसभा चुनाव जो है वो एकदम नजदीक है। साजिश यही है कि वो कुछ कर ना पाए, पार्टी खत्म करने की साजिश है उसकी। अब आचार संहिता लग गई है, कोई मोर्चा थोड़ी निकाल पाएगा। ये चीजें हैं, बाकी इतना तो हमें ज्ञान नहीं है इसके बारे में। देखिए, चुनाव से पहले गिरफ्तारी, ये तो शतरंज की चाल है। जिसे शतरंज आते खेलने आते ना, तो अपने पैदे को मारना जानता। अगर ये चाल चलूंगा तो मेरा मर जाएगा, ये चलेंगे तो इनका मर जाएगा। इस मारे वो चाल चलो कि ये भी बच जाए और मैं भी बच जाऊँ, राजा बच जाए। शतरंज की चाल, जैसे ये शतरंज है ना, ये आम पार्टी वाले, कोई भी पार्टी वाले, मेंबर ऑफ पार्टी वाले, संसद वाले, ये सब एक तरह के मोहरे हैं। जो मेन मोहरा है ना, केजरीवाल हो गया, अमित शाह हो गया, ये बड़े बड़े हैं ना, ये खिलाड़ी हैं। इन खिलाड़ियों से निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये पहुँचे हुए हैं, फुलझे हुए खिलाड़ी होते हैं। हम एक बात कहेंगे, मगरमच्छ हैं। नहीं, आप मगरमच्छ मत कहना। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब दिल्ली का क्या? दिल्ली अंदर से ही लड़ेगा, कि बहुत बढ़िया बंदा है। जेल के अंदर से लड़ेंगे? हाँ, जेल के अंदर से लड़ेगा, बहुत बढ़िया बंदा है। तो गिरफ्तारी सही हुई है, गलत हुई है? गलत हुई है। क्यों? जब कहीं कुछ नहीं मिल रहा तो फिर क्यों गिरफ्तार हुए? बाकी भी जो गिरफ्तार किए क्यों किए गए हैं? जब इनके पास कुछ मिला ही नहीं, सबूत नहीं मिलता, तो क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? सारे मंत्री जेल में, आप केजरीवाल? हाँ जी, चार पहले हैं। एक ये जबरदस्ती वाली बात है, ये तो वो है, तानाशाही है। गिरफ्तारी हो गई है, क्या लगता है आपको, सही हुई है गिरफ्तारी या गलत हुई है? गलत हुई है, बिल्कुल गलत हुई है। विपक्ष पे, सरासर विपक्ष पे हमला कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। ये एक बात बताइए आप, भाजपा का कोई भी नेता क्यों नहीं ईडी के किस्म आ रहा है, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? टोटली विपक्ष को सिर्फ घेरा जा रहा है और कुछ नहीं है। चुनाव के मद्देनजर ही सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि उनको मोदी जी को थोड़ा बहुत डर लगता है केजरीवाल से, इसीलिए केजरीवाल को सिर्फ बंद किया है। बहुत गलत किया है, हम तो बिल्कुल खिलाफ हैं इसके। केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है शराब नीति घोटाले में, क्या लग रहा है, सही हुई है? कट्टर ईमानदार पार्टी खुद को वो बता। नहीं, सही तो नहीं है, कहीं सही भी है। मैं राजनीतिक नहीं हूँ, ना मैं राजनीति के बारे में जानता हूँ, बट जितना जानता हूँ, मेरे दादा या फिर उसके बाद मेरे फादर या हम, जितना भी देखा था ना बेटा, राजनीति बड़ी सेट चीज़ है। जब कांग्रेस आई तो कांग्रेस ने बड़ा हाथ गाल के लिया, बीजेपी रही सेंटर में तो सेंटर में बीजेपी ने भी अच्छा कमाल दिखाया। अब जब केजरीवाल जी आए हैं तो उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त गेम को कभी इधर रखा तो कभी इधर रखा। बट मैं ये नहीं मानता केजरीवाल, हाँ ईमानदार है, बट इन दोनों के अकॉर्डिंग ईमानदार है, बीजेपी प्लस कांग्रेस के अकॉर्डिंग ठीक है, इन दोनों के अकॉर्डिंग ठीक है, बट कुछ काम करने की कोशिश भी करता है तो वहाँ पे जवाब आता है भाई एलजी नहीं कराने देते। और जब एलजी के ऊपर बात आती है तो एलजी किन का बैठा हुआ है, वो बीजेपी का बैठा हुआ है, तो वो लाजमी सी बात है, वो करने नहीं देगा, तो वही बातें आती है। ठीक है, ठीक। गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली का क्या होने वाला है, जेल से सरकार चलेगी? ऐसा है, जेल से सरकार तो नहीं चली है पहले भी या नहीं चलेगी, लेकिन यहाँ पर 2 करोड़ जनता है दिल्ली में, और कोई ना कोई खड़े हो जाएंगे और वो केजरीवाल के तरह ही काम करेंगे। एक केजरीवाल के बंद किए हो, 2 करोड़ के नहीं, यहाँ का जनता जो है ना, और जितने भी है, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, सब केजरीवाल के चाहते हैं, और केजरीवाल को कुछ नहीं होना है। केजरीवाल को कुछ नहीं होना, चलो बोल। चलिए सर, अब गिरफ्तारी हो चुकी है, आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और एक ही नारा है कि बीजेपी जो सरकार है वो तानाशाही सरकार है। तानाशाही सरकार नहीं है, अब तक के इतिहास में सबसे अच्छी सरकार यही है, सबसे अच्छी सरकार यही हुई है। देश का ही विकास नहीं, पूरे विश्व को देख रहा है, हैंडल कर रहा है। इसमें कोरोना हुआ था, कोरोना में पूरे देश को हैंडल किया है, दवा भेजा है, हर दूसरे देशों में दवा भेजा है, सब की सब
सबके लिए इसका वो रहता है कि मैं पूरा विश्व मेरा परिवार है सबको देख रहा है। ऐसी सरकार तो कभी आई नहीं थी और हम तो चाहते हैं ये सब दिन यही सरकार रहे। गिरफ्तारी मतलब सही हुई है क्या केजरीवाल जी की? वो तो जो देखिए वो गलत करेंगे तो कोई भी गलत करेगा तो उसकी गिरफ्तारी होगी, कोई भी गलत करेगा गिरफ्तारी होगी, ठीक है। कानून सबसे बड़ी चीज है, हाँ कानून सबसे बड़ी चीज है। कानून के अंदर में कोई भी हो, मंत्री हो या कोई भी हो, सामान्य नागरिक हो, सब बराबर है, समझ गए। और कोई गलत करेगा तो वो जेल के अंदर जाएगा, ठीक है, ये चीज है, उसमें कोई वो नहीं। ठीक है, देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक दिन पहले 9 बजे के आसपास हुई और हम लोग जनता के बीच इस वक्त मौजूद हैं। मौजूदा स्थिति में आईटीओ पर केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, आतिशी जैसे बड़े चेहरे इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही पुलिस वहां से उठा के उन्हें डिटेन भी कर रही है। मैं आपको बता दूं, ये थी जनता की राय कि केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो सही हुई है या गलत हुई है, जनता ने बता दिया है। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली।